ओ जेठापरा क्या है, अब तो टेम्पो एक ही हालात में हट सकता है। क्या 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 हुआ? ओ गाड़ी को टो करना पड़ेगा। अब एक काम करो, कुल्हाड़ी मंगा लो। ओ कुल्हाड़ी क्यों? अरे ये पेड़ को काटना पड़ेगा, तभी तो हम टेम्पो टो कर पाएंगे। क्या पेड़ को काटना पड़ेगा? पता है पेड़ को काटना दंडनीय अपराध है। फिर हम लोग पेड़ नहीं काट सकते, तेरे पास और कोई रास्ता है तो बोल। अरे चाचा जी, जिस तरह से ये टेम्पो अटका है ना, मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। तो भाई जाओ, तुम लोग निकलो यहाँ से, निकलो। आगे डॉक्टर साहब। अरे ये टेम्पो तो पूरा फंसा हुआ है, और कोई रास्ता है अंदर आने का? नहीं है कि रास्ता था, वो भी जाम हो गया डॉक्टर साहब। तो फिर मैं अंदर कैसे आऊँ? मेरे पास एक मस्त भारी भरकम अहमदाबादी आइडिया है। खींच अब्दुल खींच। देखा डॉक्टर साहब कितना इजी है, आपको बस ये टायर में बैठ जाना है, फिर वो सूढ़ी पर रस्सी खींचेंगे और आप उस तरफ चले जाएंगे। बहुत इजी है। भाई क्या खड़े हो जाते हो, पहले तू इस तरफ आ जा, बाद में टायर उधर भेजेंगे, उसमें डॉक्टर साहब बैठ के आ जाएंगे, वरना तू उधर ही रह जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चलिए चलिए संभाल के चलो चलो चलो। वैसे ये बढ़िया अहमदाबादी तरीका है। अरे वाह दर्शकों, देखिए क्या अनूठा तरीका निकाला है दया भाभी ने डॉक्टर साहब को अंदर पहुंचाने का। देखिए किस तरह से वो इस वक्त हवा में झूल रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार दया भाभी नीचे लैंड कर जाएंगी तो शायद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब अंदर लैंड करेंगे और फिर अय्यर साहब को देखने जाएंगे और मे बी उनकी कुछ हेल्प हो पाए, और शायद यही एक तरीका होगा जिस तरह से इस वक्त गोकुल धाम सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम का इकलौता सॉल्यूशन निकल पाएगा। अरे क्या मजा आ रहा है इधर, मुझे मजा नहीं आ रहा है, जल्दी आ। अब देखना ये है कि दया भाभी का ये अहमदाबादी नुस्खा काम आता है या नहीं। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो? चाचा जी ये क्या हो रहा है? जेठे आप क्या कर रहे हैं, बहू गिर जाएगी। नहीं 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 गिरा के बापू जी, एक मिनट पास सुने नीचे। हाँ एक मिनट, आराम आराम से, एकदम दया भाभी जी ध्यान से, आराम से नीचे। एक मिनट जल्दी नहीं चलो। अरे सोडी भाई संभल के संभल के, वो फेंसी को संभल के भाई, लग जाएगा। और ये डॉक्टर साहब इस वक्त टायर पर बैठ
चुके हैं ऊपर चलने की पूरी तरह से तैयारी। डॉक्टर साहब के चेहरे पर मुझे काफी डर दिखाई दे रहा है। बस अब सोनी भाई अब खींचिए। डॉक्टर साहब घबराइए मत, मैंने फाड़ के रखा है। बोले डरना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह वाह, धीरे ऊपर ऊपर ऊपर। कम ऑन कम ऑन, कुत्ते होगा कुत्ते, डरो मत। खींचो खींचो थोड़ी खींचो। डॉक्टर साहब अब डरिए मत, इजी है सब इजी है। अब एक में झूला झूला फिर इधर आएंगे, तभी उनको बोलेंगे धीमे धीमे वो छोड़ो। कमाल है, ये भी झूला झूल रहे हैं। धीरे धीरे छोड़ते हैं अभी। हाँ डॉक्टर साहब तैयार, चलो धीरे धीरे। अब बराबर छोड़ रहा हूँ यार, तुम निश्चिंत रहो। चलो जी चलो। ओह माय गॉड, ये क्या, वो रोड तो टूट गई जिस पर ये टायर लटका हुआ था। इसी के साथ खत्म हुआ एक और रास्ता गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जाने का। अब पता नहीं गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कैसे जाएंगे। अरे वाह, ये तो टूट गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? वो कुछ सोचेंगे अभी। आप पहले एयर बैग को तो देखो, देख लेना। इस तरफ आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ सोचेंगे अभी। आप पहले एयर बैग, अभी तो एयर भी ओके। आप चिंता मत करो, खुद ना खुद बाहर जाने का रास्ता हम लोग ढूंढ लेंगे। नहीं, वो फोटो फ्रेम है, लिफ्ट नहीं है, अपने को दादर से जाना पड़ेगा। आइए आइए, एक मिनट भाभी जी, संभल आइए। हेलो, हाँ सर, आपने देख ली न्यूज? देखिए ना, सुबह से टेम्पो फंसा हुआ है। हाँ, आने जाने का रास्ता बंद हो गया, सारे लोग परेशान है सुबह से। मेरा सवाल ही नहीं है कि मैं प्रेस पहुंच पाऊँ जब तक ये खुलता नहीं है, टेम्पो जाता नहीं यहाँ से। हाँ, आर्टिकल रेडी है? हाँ, वो घर पे पड़ा है, मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। हाँ, फोन पे नरेट कर दूंगा ना, 10 मिनट फोन करता हूँ। हाँ सर, ओके ओके ओके, मैं आता हूँ अभी, थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, अर्जेंट काम है, अभी आ गया। हाँ, दर्द हो रहा है, बोलो। यहाँ यहाँ यहाँ, ओके, आई गॉट द पॉइंट। हाँ, मैं आपको पहले एक पेन रिलीविंग इंजेक्शन दे देता हूँ और उसके बाद एक फर्स्ट क्लास बैंडेज लगा देता हूँ। हाँ, बस हो गया, एक बैंडेज बांध देंगे ना, सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अय्यर भाई। देखिए भाई साहब, आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ पे। हाँ, आप मेरी चिंता कीजिए। मैं वापस कैसे जा सकता हूँ उसका कुछ इंतजाम करो। बबीता जी, मैं नीचे जाता हूँ और इनका वो जाने की व्यवस्था करता हूँ। अय्यर भाई, हाँ बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, और मेरे लिए कुछ भी मदद की जरूरत हो बेझिझक मुझे बताइए। ओके, थैंक यू जेटाला। हां, आराम करना, मैं जाता हूं। हां चलो, थैंक यू, डोंट वरी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रीटा रिपोर्टर कल तक से, और इस वक्त भी बनी हुई हूँ लाई सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, क्योंकि अभी तक गोकुलधाम सोसाइटी में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही है। अभी तक इस टेम्पो ड्राइवर का कहीं कोई अता पता नहीं है। ये टेम्पो वही का वही बना हुआ है, अंदर के लोग अब भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं और ना ही बाहर का कोई व्यक्ति अंदर जा पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी के सभी निवासी इस वक्त बेहद गमगीन है।
सभी बहुत उदास हैं और काफी चिंतित भी हैं। इस वक्त सभी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। अब देखना यह है कि कब ये टेम्पो ड्राइवर आएगा और यहाँ से अपना टेम्पो लेकर जाएगा। एक बार मैं फिर से विनम्र विनती करती हूँ उस टेम्पो ड्राइवर से कि कृपया यहाँ पर आए और अपना ये टेम्पो यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि आपकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यहीं पर। कल तक पर मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। अपना चेन्नई का शेर कैसा है? क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? वो डॉक्टर साहब कुछ इंजेक्शन देने की बात कर रहे थे और कुछ पट्टी भी बांधने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे बोला कि भाई मेरी चिंता करो, मैं बाहर कैसे जाऊंगा, उसका कुछ रास्ता करो। अब फिर से कुछ सोचना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस टेम्पो को खोल कर देखते हैं, हो सकता है कि हमको इसमें कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हमें ये पता चल सके कि टेम्पो किसका है या फिर हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों आया था। बराबर है, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब्दुल भाई खोलिए ना। अभी खोलता हूँ। अरे या तो ताला लगा हुआ है। अरे तो ताला तोड़ देना, सुबह से इसने दुखी करके रखा हुआ है। सोसाइटी का इतना नुकसान किया है, उसका भी नुकसान होने दो। वो टूटे हुए ताले का नुकसान भरपाई के लिए अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा किसका टेम्पो है। अरे जल्दी करो ना अब्दुल, तोड़ दो, तोड़ ले, तोड़ ले। वाह पत्थर होगा, तोड़ो उसका। पता ला, पता लाओ। खुल गया। शुक्र है। चलो चलो मेरे को। जल्दी कर। अरे क्या हुआ अब्दुल? अब्दुल क्या हुआ उसमें? अब्दुल जा अंदर, भागो, अंदर बंदूक और बम है। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहा हूँ। अरे यहाँ से सुबह से एक टेम्पो खड़ा हुआ है, उसमें हथियार और बम है। हाँ जल्दी आ जाइए। पता नहीं, पता नहीं बम है किसका। देखिए दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक गोकुलधाम सोसाइटी से आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। जो सुबह से एक ट्रक यहाँ पर फंसा हुआ था, उसमें मिले हैं बॉम्ब और बंदूकें। जी हाँ, बॉम्ब और बंदूकें, ये बॉम्ब कभी भी फट सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अब्दुल भाई से, जिन्होंने सबसे पहले ये बंदूकें और बॉम्ब देखे। बताइए अब्दुल जी, आपने क्या देखा? मैंने टेम्पो को जब मैंने शटर को ऊपर किया तो इसके अंदर मैंने कुछ बॉक्स देखे, और बॉक्स के अंदर मैंने राइफलें देखी, बंदूकें देखी और बम देखा। तो देखा
हैं कि किस तरह से सुबह से पड़े एक लावारिस टेम्पो के अंदर मिले बॉम और बंदूकें। जी हाँ दर्शकों, गोकुलधाम सोसाइटी पर छाया हुआ है घने बादल। जी हाँ, ये बादल है मौत के। ये मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी ये बॉम्ब फट सकते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए यही हमारे साथ गोकुलधाम सोसाइटी से। मैं हूँ रीटा रिपोर्टर, कल तक से। जीजा जी को फोन लगाना दे। हाँ बोल। हेलो जीजा जी, ये टीवी पे मैं क्या देख रहा हूँ? अरे भाई टीवी तू देख रहा है, तुझे पता तू क्या देख रहा है? क्या सच में हथियार वाला टेम्पो सोसाइटी में घुस गया है? नहीं, ये टीवी वाला जादू का खेल कर रहे है। जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। तू मुंबई में? नहीं नहीं, मैं तो अभी अहमदाबाद में हूँ। तो अभी आता हूँ मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं प्लेन पकड़ कर एक घंटे में मुंबई पहुँच जाऊंगा। नटुका का दुकान नहीं है ना? अरे भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है इधर। हेलो 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 माय डियर जीजा जी। सुंदर सुंदर, अभी तक पुलिस का कहीं कोई अता पता नहीं, और डर इस बात का है कि अगर पुलिस के आने से पहले ये बॉम्ब फट गए तो गोकुलधाम सोसाइटी का क्या। देखिए पुलिस आ चुकी है। पुलिस पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। कहाँ है वो? वो टेम्पो में। ठीक है आप लोग यही रुकिए, हम जाकर देखते हैं। ओके। शर्मा अंदर जाके देख। उफ, इतना टेंशन, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी कि गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में एक थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह टेम्पो इतना कहर ढा देगा कि हर वक्त हर मोड़ हर क्षण पे टेंशन बढ़ता चला जाएगा। इस टेम्पो ने हमसे बहुत सारे करतब और सर्कस करवाए बाहर निकलने के लिए, अंदर किसी को आने के लिए, लेकिन इस वक्त जो हुआ है वो तो बहुत खतरनाक है। हथियारों का जखीरा बॉम्ब टेम्पो में मिले हैं। मुझे नहीं मालूम ये बॉम्ब ये हथियार किसके हैं। टेम्पो का ड्राइवर लापता है, कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं है हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, गोकुलधाम की शांति को भंग करने के लिए? ये कहीं बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है? इसका मकसद क्या है? ये हथियार किसके हैं? कौन छोड़ गया इसे? बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। इस वक्त टेंशन ही टेंशन है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, गोकुलधाम का सिद्धांत है स्थिति कैसी भी हो हम मुकाबला हंस के करते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको हंसाना। टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि हम हंसते हंसते देखेंगे कि आखिर होता क्या है, कि बॉम्ब या हथियार किसके हैं। सोचते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।